गुड आफ्टरनून ऑल आज हम स्टार्ट करेंगे आईआईटी जैम 2006 जाम का क्वेश्चन पेपर तो ये है आपका आईआईटी जैम 2006 जाम का क्वेश्चन नंबर वन जहां पे पूछा है कि इन फाइलोसिलिकेट द टेट्राहेड्रल दटाइन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है ठीक है मतलब कि सिलिकॉन टू ऑक्सीजन रेशियो है वो कितना होता है फिर फोर इज टू इलेवन तो सिलिकॉन टू ऑक्सीजन रेशियो की अगर हम बात करें तो नेसोसिलीकेट सोरोलो आइनो आइनो के अंदर हमारे पास सिंगल चेन है वी हैव द डबल चेन देन फाइलो एंड टेक्टो तो दे अबाउट आबाउट फाइलोसिलिकेट ये जो रेशो है ये कितना रहेगा तो सबसे पहले अगर बात करें वन इज टू टू तो फॉर यूर टेक्टोटोट की अगर हम बात करें इट योर वन इज टू फोर ये आपका वन इज टू टू दिस इज फॉर टेक्टो वन इज टू थ्री की अगर हम बात करें तो वन इज टू थ्री जो रेशो है दिस इज फॉर साइक्लो एंड सिंगल चेन दोनों के लिए ठीक है टू इस टू फाइव की अगर मैं बात करूं तो यहां पे फाइलोसिलीकेट के अंदर आता है टू इज टू फाइव और वी कैन राइट वन इज टू टू पॉइंट फाइव यह आपका फाइलोसिलीकेट और फोर इज टू इलेवन की बात करें तो यह आपका आइनोसिलीकेट के अंदर का डबल चेन तो पूछा था फाइलोसिलीकेट के बारे में एंड दैट्स द ऑप्शन सी इज करेक्ट देखते नेक्स्ट वन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू टेरेस्ट्रियल और स्लैश करके बोला है फ्रेश वॉटर एनवायरमेंट ओके सो टेरेस्ट्रियल भी है और उसके ऑब्लिक करके पूछा है कि फ्रेश वॉटर मतलब कि रिवर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग भी है इकोनॉइड जो जाने जाते हैं कंप्लीटली ऑब्वियसली मरीन ब्रैक्योपोड भी कंप्लीटली मरीन कोरल भी कंप्लीटली मरीन मगर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दीज आर ऑल आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लेकिन अगर गैस्ट्रोपॉड की बात करें तो गैस्ट्रोपॉड को हम एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि ये मरीन में भी मिल जाएंगे या आपको फ्रेश वाटर मतलब रिवर में भी मिल जाएंगे और कुछ गैस्ट्रोपॉड जो है वो जो टेरेस्ट्रियल भी है तो एक ही बचता है ऑप्शन डी विच इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अ हिल फेस स्लोपे एट एन एंगल 40 डिग्री ड्यू ईस्ट तो ईस्ट के तरफ जो है वो हिल का स्लोप कुछ दिया है उन्होंने 40 डिग्री पे द ज्वाइंट सेट मोस्ट अब ज्वाइंट सेट कहां पे रहेगा तो ऑब्वियसली उसके फेस पे रहेगा ठीक है द ज्वाइंट सेट मोस्ट लाइकली टू कॉज लैंड इज द वन डिपिंग एट तो इसके ऊपर जो ज्वाइंट सेट रहेंगे और वो भी अगर लैंड स्लाइड कर रहा है मतलब कि इसका डिप भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर उस ज्वाइंट सेट का बिल्कुल अगर ये 40 डिग्री ईस्ट की तरफ है तो वो भी 40 डिग्री ये समथिंग बिल्कुल ईस्ट ही होना चाहिए बट क्योंकि कंप्लीटली हिल के फेस के ऊपर ज्वाइंट है तो ऑब्वियसली जो हिल के स्लोप के जितना भी होगा उससे वो जो अमाउंट है किसका ज्वाइंट का वो कम ही रहना चाहिए मतलब कि लेस देन फोर्टी डिग्री रहना चाहिए अब देखते हैं दोनों कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई होती है

ऑक्टाहेड्रॉन और both have the same symbol, one, one, one. बिल्कुल ये करेक्ट है सिमेट्री तो दोनों के सिमेट्री में क्या डिफरेंस है तो अगर आपने देखा होगा या फिर फॉर्म्स के टाइम पे अगर पढ़ा होगा तो हमने ओपन फॉर्म क्लोज फॉर्म होलोहेड्रल हेमीड्रल्टियोम हेमीमार्फिक इस तरह के कुछ फॉर्म्स देखे थे और उनमें से कुछ दो फॉर्म्स है अगर मैं जिक्र करूँ कि होलोहेड्रल नाम में ही होलो है होलो मतलब कि कंप्लीट हेडल मतलब कि फेस ठीक है तो एंटायर या फिर कंप्लीट फेस जब डेवलप होते हैं अब कौन दिखाएंगे तो ईच क्रिस्टल सिस्टम हर एक क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक हो टेट्रागोनल हो हेक्सागोनल हो हेक्सागोनल की सब सिस्टम ट्रागोनल हो आपका ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक या फिर ट्राक्लिनिक सभी सिस्टम के अंदर जो नॉर्मल क्लास है अब नॉर्मल क्लास किस क्लास को बोलते हैं वो क्लास जो हाइएस्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिखाएगा और हाइएस्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो दिखाएगा वही मिनरल आपको होलोहेड्रल फॉर्म दिखाएगा और जो होलोहेड्रल मतलब कि कंप्लीट फॉर्म मतलब कि कंप्लीट फेसेस नहीं दिखाएंगे वो इसके हाफ दिखाएंगे हाफ मतलब क्या तो हम उसको बोले थे हेमी हेड्रल नाम में हेमी है हेमी मतलब हाफ हेड्रल मतलब कि फेस अब लेकिन किसके हाफ ये भी तो है तो ऑब्वियसली उस नॉर्मल क्लास का जो भी इंडिविजुअल हर एक क्यूबिक का टेट्रा हेक्सा हेक्सा का सबसिस्टम ट्राई ऑर्थोमोनो और ट्राई क्लिनिक इनका इंडिविजुअली हर एक का जो भी होलोहेड्रोल होगा मान लीजिए अगर इसके किसी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के या फिर टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम का का कोई नॉर्मल क्लास अगर कोई मेंबर अगर 24 फेसेस दिखा रहा है फॉर होलोहेड्रल तो ऑब्वियसली फॉर हेमी हेड्रल इट शोज यू दी 12 बट फॉर ओनली दिस तो इस तरह से जब ऑक्टाहाइड्रॉन की बात करते हैं तो ऑक्टाहाइड्रॉन आता है एक तरह से कंप्लीटली होलोहेड्रल फॉर्म के अंदर ठीक है एक तरह से क्लोज फॉर्म भी है होलोहेड्रल भी कंप्लीट डेवलपमेंट भी दिखाता है और हेमीहेड्रल की बात करें तो टेट्राहाइड्रॉन जो आता है वो दिखाता है आपको हेमीहेड्रल फॉर्म्स अब इन दोनों के अंदर जो बात है वो है यहां पे अगर मैं ऑप्शन देखू बार थ्री टू बायम एंड टू बाय थ्री ऑक्टाहाइड्रॉन और टेट्राहाइड्रॉन बोथ आर बिलोंगिंग टू योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम

यहाँ पे नहीं है अब बचा कौन सा ऑप्शन अगर आपको यह भी पता है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के, के। तो 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 बीच में डिफरेंस में जो डिफरेंस है वो तो ये मतलब के ऑक्टाहाइड्रॉन शोज यू हाइयर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हाइयर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वी मेंशन इन दी होलोड्रल तो फोर बाय थ्री टू एम शोज बाय ऑक्टाहेड्रॉन और उन्होंने कहा कि फोर थ्री और एम इफ्यू सी यहाँ पे मिरर प्रेजेंट है और यहाँ पे मिरर प्रेजेंट नहीं है बिल्कुल मतलब ये इंडिकेट कर रहा है एक तरह से सिमेट्री एलिमेंट को जो कि हाइयर है ऑक्टाहेड्रॉन के अंदर एंड जस्ट हाफ है टेट्रोहाइड्रॉन के अंदर ठीक है तो ये बात सिर्फ आपको याद रखनी है तो ऑप्शन बीस करेक्ट अगर ऑप्शन में अगर अगर वो लोग अगर ऑप्शन के अंदर फोर्टी ईस्ट ही रखते तो मिनिमम एग्जैक्टली तो नहीं रख सकते तो हाँ फाइनली अब दिया ही नहीं है तो तब उस कंडीशन में आपको फोर्टी ही करना पड़ेगा लेकिन कंसिडर कीजिए फोर्टी से कमी ही होगा किसी सरफेस के ऊपर का ज्वाइंट जो रहेगा उसकी डिप ऑब्वियसली उस सरफेस से कम ही रहेगी ठीक है नेक्स्ट पारोगजीन, पारोगजीन और इन इस तो जैसे ही क्लाइनोपायरोक्सिन दिख जाए सभी को पता है आपको कौन से कंडीशन या फिर कौन से फेसिस के अंदर देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली इट्स अवेलेबल इन यूर ग्रेन्युलाइट फेसिस के अंदर तो ऑप्शन ए इज करेक्ट देखते नेक्स्ट वन ओके ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ गार्नेट ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स इंडिकेट्रिक्स क्या होता है एक इमेजनरी इलिप्सॉइड उसी के लिए वर्ड यूज किया गया है अब गार्नेट बिलोंग्स टू योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज होने वाले अर्थ के जितने भी मिनरल्स है सभी के सभी क्या है सभी आइसो है आइसो मीन इक्वल और ट्रॉपिक्स मीन आपका रीजन मतलब के कंप्लीट रीजन के अंदर वो इक्वली क्या करेंगे एक तरह से बिल्कुल इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में या फिर अगर velocity अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं तो वो भी बिल्कुल सेम रहेगी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में तो गार्नेट के लिए उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिक इंडिकेटरिक्स फॉर गार्नेट ये रहेगा प्रोलेट कब रहता है प्रोलेट का मतलब वर्टिकल इलिप्स को हम बोलते हैं प्रोलेट ठीक है ये कब रहेगा वेन यू हैव द दूनियक्शल पॉजिटिव मिनरल देन ओमेगा की कंडीशन रहेगी तब इस वर्टिकल प्रोल, वर्टिकल इलिप्सॉइड को बोलेंगे, प्रोलेट. अगर यही अगर अगर बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मिनरल तो, तो प्रोलेट की कंडीशन कहती है कि मिनरल आपका यूनियक्शल पॉजिटिव मिनरल है ऑब्लेट की जो कंडीशन है वो कहता है कि आपका मिनरल यूनि एक्शल निगेटिव है गार्नेट किस क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है क्यूबिक प्रोलेट और ट मतलब कि युनी एक्षल, युनी एक्षल, तो यूनियक्शल मिनरल कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करेगा तो क्यूबिक को छोड़ के नेक्स्ट पे जंप करना बिल्कुल ठीक है टेट्रागोनल हेक्सागोनल और ट्राइगोनल सिर्फ टेट्रागोनल हेक्सागोनल और ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज होने वाले मिनरल ही आपको प्रोलेट या फिर ऑब्लेट दिखा सकेंगे बाकी के कोई नहीं स्पियर की बात करें तो जैसे कि पहले भी बोला है के नाम में स्पीयर है तो एक तरह से ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज होने की वजह से ये कम्प्लीटली आइसोट्रॉपिक है यहाँ पे अच्छे से हम कहें तो एक तरह के इक्वल रीजन इक्वल रीजन मतलब के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा अलोंग द एवरी डायरेक्शन और इस वजह से इसका जो इंडिकेटर रहेगा वो अच्छे से एक तरह से स्पीयर रहता है

ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, हमने हमने सबसे पहले कब देखा था? जब एक्चुअली हम फाइलम uh, देख रहे थे। के अंदर हमने अगर आपको याद हो तो रेगुलर और इरेगुलर इकोनोइड्स देख रहे थे उस टाइम पे इेगुलर के टाइमर इकोनॉइड के अंदर आपका एग्जाम्पल था मिक्रेस्टर यहां पे मिक्रेस्टर क्या होता है आपका इकोनॉइड है एक तरह से. Phacops, हमने देखा था ट्रिलोबाइट के टाइम एज एन एग्जाम्पल के तौर पर मैमल और बैरापोरस ये जो है ये एक एक तरीके का आप एक की वेराइटी है बिल्कुल. इसका कंप्लीट नाम जो है वो बैरापोरस टगोरिया है ठीक है ये तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कहां पे फिट हैं. पी का फोर ओके एक ही है तो ऑप्शन डी इज ऑटोमेटिकली करेक्ट सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक ग्रेन रेंजिंग इन साइज फ्रॉम जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव मिलीमीटर टू टू पॉइंट जीरो मिलीमीटर अब मिलीमीटर mm का जिक्र आएगा तो ऑब्वियसली वुडन एंड वेंटवर्थ की स्केल है अगर मिलीमीटर mm की जगह पे अगर फाइ आता था तो वो क्रुम्बिंग की स्केल है आर कॉल्ड तो ये जो रेंज दी है इस रेंज के बीच में जो साइज आएगी उस साइज को हमने क्या नाम रखा है या फिर जो उडन वेंटवर्थ द्वारा क्या नाम रखा गया है ग्रेनुल हम नॉर्मली बिल्कुल जब आपकी ग्रेन की साइज जो है विच इज रेंजिंग फ्रॉम दो से लेकर तक फोर मिलीमीटर mm के अगर बीच में हो तो बट ऑप्शन में इतना नहीं पूछा सैंड कब कहेंगे तो सैंड कहेंगे 0.0625 मतलब इसी को हम लिख सकते हैं कि वन बायटीन से लेकर तक दो मिलीमीटर mm के बीच में अगर साइज हो पार्टिकल की देन वी से इट्स अ सैंड सिल्ट कब कहेंगे सिल्ट इज रेंजिंग फ्रॉम योर वन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन से लेकर तक वन डिवाइडेड बाय टू के बीच में अगर पार्टिकल की साइज हो तो वी से इट्स सिल्ट और क्ले कप कहेंगे अगर साइज लेस देन वन डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी सिक्स मिलीमीटर अगर हो तो वी से इट्स अ क्ले तो जो रेंज पूछी है दैट रेंज इज हियर तो वी से इट्स अ ये एक तरह से क्या है यह है सैंड ऑप्शन बी इज करेक्ट एक्मे जोन लिया था हमने बायोस्टैटिग्राफी के अंदर ठीक है सो एक्मे जोन इंडिकेट क्या करता है देखो एक्मे जोन को ही हमने एक्चुअली ज़ोन भी बोला था और इसी को आप पीक जोन के नाम से भी जानते हो ठीक है तो नाम में ही नाम में बिल्कुल पीक है तो रेंज ऑफ फॉसिल स्पेसिस नहीं रेंज जोन एक दूसरा है ऑफ फॉसिल स्पेसिस नहीं ये भी एक दूसरा स्टेटमेंट है मैक्सिमम ऑफ अबंडल स्पेसिस स्टेटमेंट जो है वो एक्ट में वर्ल्ड के लिए परफेक्ट बैठ रहा है माइग्रेशन ऑफ फॉसिल नहीं माइग्रेशन का कोई जरूरत नहीं तो ऑप्शन सी इज करेक्ट गुड आफ्टरनून सत्या नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री फीचर कैन बी यूज टू डिटरमाइन द दूनी डायरेक्शनल तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन का जो था वो असिमेट्रिकल रिपर यूनि डायरेक्शन इंडिकेट करते दिया क्या ऑब्वियसली इट्स असिमेट्रिकल ठीक है सिमेट्रिकल नहीं सिमेट्रिकल के लिए दोनों डायरेक्शन चाहिए तो ये हो सकता है पार्टिंग लिनिएशन नहीं इट्स अ पार्टिंग लिनिएशन ठीक है एक तरह से प्लिंग की कंडीशन में आ जाता है लोडकास्ट कोई डायरेक्शन वायरेशन नहीं बताता है तो सीधी सी बात है यहां पे ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट होता है जो कि आपके असिमेट्रिकल रिपल की कंडीशन जहां पे अगर आप ली साइड अगर देखो तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही लंबी हो जाती है ठीक है उन्होंने बोला है कि सैनिडीन स्टीशोवाइट माइक्रोक्लिन और जैडियट तो ये है सभी के सभी आपके मिनरल और इन मिनरल का यहां पर किसी ना किसी तरीके के इग्नियस एक्टिविटी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बताना है अब रिलेशन अगर हम बताएंगे तो प्लूटोनिक रॉक के अंदर अगर रिलेशन बताए तो इनमें से कौन सा आपको प्लूटोनिक रॉक के अंदर ज्यादातर देखने को मिला या फिर देखा होगा अगर मैं बात करूं माइक्रोक्लिन की अब कौन कौन से प्लूटोनिक रॉक के अंदर एज एन आपको देखने को मिलते है देखो साइनाइट इसके अलावा ग्रेनाइट है ग्रेनोडायोराइट है बिल्कुल तो दीज आर सम रॉक जिनके अंदर आपको प्लूटोनिक रॉक के अंदर माइक्रोक्लीन बहुत ज्यादा में मिलेंगे एज कंपेयर टू अगर मैं यहां पे ग्रेनाइट एज अ रेफरेंस लिया एज कंपेयर टू योर येट एंड अदर ठीक है, आपका ग्रेनाइट हो या फिर मिलता है उसी तरह से अगर हम सबडक्शन की बात करूं तो सबडक्शन जहां पे होता है वहां पर प्लेटोनिकम का जिक्र है और जहां पे प्लेट टेक्टोनिकम का जिक्र है वहां पे एक तरह से सबडक्शन के नियर क्या होता है एक कंडीशन क्या रहती है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की

तो वोल्केनिक के अंदर वी हैव दी सेटिन अब सैनेटिन कहां कहाँ पेनेटिन वही आपका जो पोटेशियम फील्ड्स पर के फील्ड्स पर वाला जो है वो अब कौन कौन से रॉक के अंदर आपको सैनेटिन बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा देखिए आपके पास ट्रैकेट है आपके पास रायोलाइट है आपके पास डेसाइट है सो दीज आर द रॉक जिनके अंदर आपको सैनेटिंग का परसेंटेज ज्यादा मिलेगा ना कि

देखते हैं नेक्स्ट वन यस जायडाइड जो है वो सोडियम बीरिंग पायरऑक्सिन है फिल्सपैथ प्रेजेंट इन फोनोलाइट तो अगर आपने फोनोलाइट के अंदर या फिर क्यूएपीएफ डायग्राम के अंदर भी अगर थोड़ा सा देख लिया होगा तो फोनोलाइट के अंदर स्पेसिफिकली हम हमेशा जिक्र करते हैं नेफलिंग का ना कि सेनेडिन और ना कि कैल्सिलेट अलबैट तो आपका प्लेजुक्लिस वाला हो गया ठीक है तो स्पेशली तब हम यूज करते हैं नेफलिन को एक्चुअली ऑकरेंस जो है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग अब यहां पे ब्रेड बार्स मोरेंस बारकंस और अटॉल मतलब कुछ ज्योमफोलॉजिकल फीचर्स है और किस एजेंसी की वजह से बना है विंड रिवरिंग मरीन या फिर ग्लेशियल ब्रेड बार की अगर हम बात करें तो एवरी वन नोज बिल्कुल तो कहीं ना कहीं आपके रिवरिंग की वजह से मोरिन आपके ग्लेशियल डिपोजिशनल है बारकन का बात करें तो ऑब्वियसली एवोलियन लैंड फॉर्म के अंदर मतलब कि विंड की, की वजह से फॉर्म होते हैं और बचे अटॉल इज इन योर मरीन कंडीशन या फिर जब कोरल का बात करेंगे तब वो ठीक है तो यहां पे ऑप्शन जो फिट बैठता है इज योर बी देखते नेक्स्ट वन ओके द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन इग्नियस रॉक इज इंडिकेट तो वो इग्नियस रॉक क्या हुआ लेयर्ड बेसिक इंट्रूजन है क्या सब एरियल वोल्केनिज्म सब मरीन वोल्केनिज्म या फिर शील्ड वोल्केनो एवरी वन नोस कि जो सब मरीन या फिर सब एक्वियस वोलकैनिज्म जो है वहीं पे आपको पिलो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं बेसॉल्ट के अंदर ठीक तो है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट या ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसा आर कॉमन इन तो नॉर्मली मेसा तब बनते मेसा या फिर ब्यूट तब बनते जब रिवर वाला कंडीशन हो जियोमोर्फोलॉजी के अंदर भी हमने जो है वो फ्लूल लैंड फॉर्म के अंदर पहली बार भी इसका भी जिक्र किया है अब लैंड फॉर्म वाली कंडीशन के अंदर रिवर मोस्टली जब प्लेट्यू वाले रीजन से जब जाती है तब मतलब के अगर हम अच्छे से बात करें ईस्टर्न घाट ग्रैंडवेड बेल्ट हिमालयन माउंटेन रेंजेस या फिर डेक्कन ट्रैप एंड धारवा ग्रीन बेल्ट मेसा का टॉप हमेशा नियर अबाउट फ्लैट होता है अगर हम घाट सेक्शन माउंटेन सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉप्स रहते हैं हिल्स के हिलॉक्स के या फिर माउंट्स के वो इतने ज्यादा भी फ्लैट नहीं रहते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो प्लेट्यू वाला रीजन रहता है मतलब कि जैसे कि जैसे डेक्कन ट्रैप वाला रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर महाराष्ट्र से, से ज्यादा जो थोड़ा डेक्कन ट्रैप जो कर्नाटक रीजन के अंदर है वहां पर भी जो है मेसास का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है ठीक है तो एक तरह से अगर देखे तो डेक्कन ट्रैप के अंदर आपको मेसा जो है बहुत कॉमन देखने को मिलता है लेकिन अगर ओल्ड लिटरेचर अगर उठा के देखो तो हो सकता है आपको धारवार ग्रीनस्टोन बेल्ट भी देखने को मिले इसका रीजन भी ये था कि कुछ रीजन नियर दी धारवार ग्रीनस्टोन बेल्ट के पास भी मेसाज जैसे फीचर देखने को मिले थे बट इट्स नॉट कॉमन फीचर ठीक है है बट इट्स नॉट कॉमन बहुत रेयरली किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के पास है यहां पे ऑप्शन सी इज करेक्ट है

तो क्रोमाइट जो है इज अग्जाम्पल फॉर यूर अर्ली मैग्मैटिक सेग्रेशन। नॉर्मली जो ग्रेविटेशनल सेटलिंग की वजह से ऑब्वियसली ओर के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं वो पहले कहीं ना कहीं जाके ड्यू टू द ग्रेविटी सिंक होके बॉटम में बिल्कुल फॉर्म हो जाएंगे और यही कहीं ना कहीं आपके क्रोमाइट के साथ भी होता है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर अर्ली मैग्मेटिक सेग्रीगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ नॉर्मल स्टैटीग्राफिक सीक्वेंस इरोजन कैन समटाइम्स एक्सपोज ओल्डर रॉक विद इन यंगर रॉक विद इन नाम में सब कुछ है मतलब के ओल्डर रॉक इज सराउंडेड बाय यंगर रॉक वाली कंडीशन अगर ऐसा है तो क्या तो इन्होंने पूछा क्या ओल्डर रॉक विद इन यंगर रॉक जब ओल्डर रॉक इन हो तो हम उसको बोलते हैं इन लायर वेन द यंगर रॉक इज सराउंडेड बाय ओल्डर जब ओल्डर आउट हो जाएगा तब वी से इट्स अ आउट लायर ठीक है तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली जब इरोजन वाला पार्ट आएगा तो ओल्डर वाले रॉक ही एक्सपोज होंगे तो इसको हम कहते हैं इन लायर क्लिपे तो नॉर्मली जो आपकी थ्रस्ट शीट होते हैं जब वो बहुत ज्यादा लंबी चली जाती है तो ड्यू टू द इरोजन द आइसोलेटेड थ्रस्ट शीट जिसको नॉर्मली हम क्लिपे बोलते हैं लेकिन उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है विंडो भी एक तरह से इरोजन के बाद ही दिखती है बट जो आपकी फुट हॉल होती है उसका अपीयरेंस आफ्टर द इरोजन ऑफ थ्रस्ट शीट जो दिखता है उसको हम विंडो बोलते हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो जिक्र किया है वो है ओल्डर विद इन यंगर तो आपका ओल्डर विद इन यंगर की कंडीशन कॉल्ड एस योर इन ओल्डर इन इन लायर ओल्डर आउट आउट लायर खत्म का ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहां द लार्जेस्ट नोन काइनाइट डिपॉजिट इन द वर्ल्ड पूछा है तो पूरी दुनिया के अंदर अब दुनिया के अंदर तो बोला लेकिन यहां पे सब कुछ बिल्कुल रेफरेंस जो दिया है वो इंडिया का दिया है झारखंड बिहार आसाम या फिर तमिलनाडु इनमें से कहां पर जो है वो सबसे ज्यादा काइनाइट की डिपॉजिट है तो काइनाइट का डिपॉजिट अगर देखे झारखंड के अंदर आपके पास लापसा बुरु डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सबसे ज्यादा काइनेट के डिपॉजिट आपको देखने को मिलते हैं तो आंसर ए इज करेक्ट झारखंड आसाम के अंदर सिलिमिनेट के डिपॉजिट्स रहते हैं आसाम की अगर हम बात करें तो सिलिमिनेट डिपॉजिट आसाम के अंदर आ जाएगा लार्जेस्ट में पे सिर्फ काइनेट पूछा फॉलोइंग ऑफ फॉर्मेशन रानीगंज पिंजोर और उमरिया मरीन बेड अब इनमें आपको कहा कहा पे जो एक बेड बिल्कुल तो वहां पे आपको लेमेटा जाना जाता है डायनासोर के फॉसिल्स के लिए जिसका नाम है लेमेटोसॉरस एंड टिटोनासोरस तो यहाँ पे लेटोसॉरस तो नहीं दिया लेकिन यहाँ पे उन्होंने टिटोनोसोरस दे दिया है रानीगंज जो कि आपका थोड़ा सा एक परमिन वाला एज की तरफ आ जाता है तो ऑब्वियसली लोअर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना जाना जाता है ग्लॉस ऑफ टेरिस के लिए पिंजर फॉर्मेशन आपके सिवालिस के नियर बिल्कुल जो मैमल्स वगैरह है उनके लिए और उम्रियर बेट जो है बिल्कुल वो जाना जाता है आपके प्रोडक्टस के लिए ठीक है ब्रेक के लिए तो ये रहे यहां पे जो ऑप्शन फिट बैठता है वो है डी नेक्स्ट क्वेश्चन है ओफियोलाइट मतलब कि मिक्सचर ठीक है ओफियोलाइट मतलब के जैसे सब्डक्ट होता है वैसे ऑब्डक्ट भी होता है ऑब्डक्ट मतलब के नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाना कब आता है जब थ्रस्टिंग होता है तब इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेसर हिमालय हायर हिमालय आउटर हिमालय या फिर इंद सुचर जोन तो यहां पर ऑब्वियसली सुचर जोन के अंदर हम फर्स्ट टाइम जिक्र करते हैं ओफियोलाइट मेलांच का तो ऑप्शन डी इज Correct. the angle between y vi vibration direction and the optic axis of monoclinic 2005 में भी जो ऑप्टिकल मिनरोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था वो भी मोनोक्लिनिक के ऊपर भी एक्जैक्टली exactly पूछा था अब मोनोक्लिनिक का है तो पहले तो वही सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए कि मोनोक्लिनिक क्या है जैसे कि पहले भी बोला है कि हमारे पास क्यूबिक है टेट्रागोनल है देन हेक्सागोनल की देन वी ऑर्थो मोनो एंड ट्राइक् ये तो आपका आइसोट्रोपिक के अंदर चले गए पहले तीन आपके बिल्कुल यूनि है बाकी के तीन आपके बायक्शल है मतलब कि दो ऑप्टिक एक्सिस वाले है तो आपका पूछा है क्वेश्चन पे ये मतलब कि और दो ऑप्टिक एक्सिस का जिक्र है यहां पे तो सीधी सी बात है अगर ऑप्टिकल पेट्रोलॉजी के अंदर भी देखा होगा या फिर पढ़ा होगा तो यहां हमारे पास मोनोक्लिनिक इज योर ये कहीं ना कहीं जिस भी मिनरल का बात कर रहा है जिस मिनरल का बात कर रहा है ठीक है अब बाय के अंदर क्या क्या, क्या के दो चीज दिखे हमने कि यहाँ पे आपको दो ऑप्टिक एक्सिस देखने को मिलते हैं दो ऑप्टिक एक्सिस के अलावा आपको कौन कौन से वाइब जैसे पे पे वाइब्रेशन डायरेक्शन है तो एक्चुअली वहां दो ऑप्टिक एक्सिस जो रहते हैं वो आपके अलॉन्ग एक्स एंड जेड वाइब्रेशन डायरेक्शन के अलॉन्ग रहते हैं अब रही बात वाई की तो मोनोक्लिनिक के अंदर जो वाई डायरेक्शन दिखाया गया है वो एक्चुअली ऑप्टिक नॉर्मल के अलॉन्ग रहता है ठीक है और ये जो ऑप्टिक नॉर्मल रहता है ज ऑलवेज यूर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ यूर मिनरल ग्रेन अब ये नाइन्टी डिग्री परपेंडिकुलर मतलब ही होता है नाइंटी डिग्री अब यही पूछा है कि जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है एंड ऑप्टिक एक्सिस है ऑफ मोनोक्लिनिक तो आपका वाई वाइब्रेशन डायरेक्शन और आपका कंप्लीटली प्रिंसिपल सेक्शन मतलब के आपका ऑप्टिक एक्सिस दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है आपका नाइंटी डिग्री का देखते नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई दी करेक्ट पेयर लिथोस्टैटिग्राफी के अंदर फॉर्मेशन आते हैं क्या बिल्कुल बायोस्टैटिग्राफी के अंदर इंटरवल yes. के अंदर सीरीज़ आते हैं क्या यस सिस्टम सीरीज स्टेज वाला एस 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 वाले जो क्रोनो के अंदर आते हैं जियो क्रोनो के अंदर सिस्टम आता है क्या नहीं इसके अंदर नहीं आता है देखते नेक्स्ट वन on a survey of india toposheet number 55 j by 3 the distance of 4 cm between the two points represent an actual ground distance मैप पे सेंटीमीटर है तो ग्राउंड पे क्या रहेगा किलोमीटर ही रहेगा सेंटीमीटर का किलोमीटर जब हम करते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं है। तो है, तो है, कौन सी ली होगी वन एस टू फिफ्टी थाउजेंड अब किलोमीटर का सेंटीमीटर मतलब कन्वर्जन करना है तो ऑब्वियसली कन्वर्जन के टाइम पे हो सकता है बहुत लोगों को दिक्कत आए तो पहली ट्रिक क्या करना है आफ्टर द फाइव डिजिट एक डेसिमल पॉइंट दे दो एक दो तीन चार तो इसके बाद एक डिसिमल पॉइंट दे दोगे इट विल बिकम यूर पॉइंट फाइव दैट मल्टीप्लाई इट विद डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है फोर मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट फाइव कर दीजिए वॉट एवर यूर आंसर विल इन किलोमीटर अ रॉक दैट इज पोरस बट नॉट परमिएबल पोरस तो पोरोस है बट परमिएबल नहीं है सैंडस्टोन पोरस भी परमिएबल भी है, भी है। की अगर हम बात करें तो ये परमिएबल है सॉरी पोरस है बट लेस परमिएबल है इन्होंने नॉट पूछा शेल और क्ले जो है वो पोरोस तो है बट परमिएबल नहीं है तो ये अच्छे से यहां पे बिल्कुल फिट बैठता है तो आंसर सी इज करेक्ट अपर मेंटल ऑफ द अर्थ इज कंपोज लार्जली ऑफ यही कल जो मिक्स नोट्स हमने देखी थी उसी के अंदर ये पार्ट वाला लिया था और उसी के अंदर आपका क्रस्ट है अपर मेंटल है लोअर मेंटल है आउटर कोर है एंड दी इनर कोर है उसी टाइम हमने देखा था अगर पूछते कोर के अंदर क्या सबसे ज्यादा अब तो बोलना है सिलिकेट अगर अपर मेंटल में बोलना है तो ऑब्वियसली अपर मेंटल के अंदर ऑलिविन लोअर मेंटल के अंदर आपका परवो स्काइट परवो स्काइट ये क्या है दिदार यूर मिनरल लेकिन अगर पूछते रॉक कौन सा है तो फिर कौन सा पेरिडोटाइट तो पूछा है कि अपर मेंटल ऑफ द अर्थ इज कंपोज लार्जली ऑफ तो यहां पे रॉक का जिक्र है तो कौन सा रहेगा ये रहेगा आपका पेरिडोटाइट और उसके अंदर भी अगर पूछते हैं कि कौन सा पेरिडोटाइट तो याद रखना एमजी पेरिडोटाइट और अगर वो भी अगर नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली वुस्टाइट रेफर टू अियोलॉजिकल मैप विच द डेवलपमेंट ऑफ मेटामोर्फिक ऑरियल अराउंड दी ग्रेनेट इंट्रजुअल मेटामॉर्फिकरियल कब देखा था जब कॉन्टेट मेटामोर्फिजम होता है कॉन्टेट मेटामोज का पार्ट है थर्मल मेटामोट की टेम्परेचर इज अडोनेट फैक्टर विथ लिटल और नो प्रेशर का जिक्र यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर इज योर डोमिनंट फैक्टर इन सेवेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक एक्सपोज एट लोकेशन एक्स वाई एंड जेड इज करेक्ट तो सीधी सी बात है एक्स यहाँ पे

देखते नेक्स्ट वन ऑयल कोल जिंक और फॉस्पेट और डिपॉजिटेड एरिया या फिर माइंस ठीक है बोकारो जवर जमारकोटरा और अंकलेश्वर एवरीवन नोज नोस जो है अंकलेश्वर कहां पे है गुजरात के अंदर है तो फेमस है आपके ऑयल प्रोडक्शन के लिए कोल की अगर मैं बात करूं तो कोल आपका बिल्कुल कहां पे आएगा कोल कम्स इन यूर बोकारो अब आपका बोकारो कहां पे आता है झारखंड के अंदर रामगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ना तो उस झारखंड के अंदर आपका बोकारो आता है वहां पे हमारे पास कोल का बढ़नेस बहुत ज्यादा है लीड जिंक की बात करें तो राजस्थान के अंदर हमने जो जवर डिस्ट्रिक्ट देखा था वहां पे हमारे पास जो है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जवर एरिया आता है वहां पर हमारे पास जो है कंप्लीटली लीड जिंक का डिपोजिट है और जो फॉसपेट है इट कम्स अंडर यूअर जमारकोटरा इट्स कम्स अंडर अगेन राजस्थान तो यहां पर देखते हैं पीक ऑफ फोर ये बचे आपके और ओके okay, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है सो so नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रॉक फॉर्मेशन इज अरेंज इन अ करेक्ट ऑर्डर तो ओल्डर टू यंगर बोला है तो पहले ओल्डर वाला मलानी वोलकैनिक उसके बाद पंजाब पंजाल वोलिक उसके बाद राजमहाल वोलैनिक्स और उसके बाद डेक्कन वोल्केनिक्स तो हाँ एक तरह से लग रहा है कि ये हो सकता है ढोक पठान तत्रोड बोल्डर कॉन्ग्लोमरेड और पिंजोर अगर देखे तो आ, नहीं ये सीक्वेंस एक तरह से नहीं है पहले ढोक पठान आएगा क्योंकि ओल्डर के बारे में अगर हम बात करेंगे हाँ उसके बाद सक्सेसफुली आ सकता है बट उसके बाद बोल्डर कॉन्ग्लोमेट नहीं आएगा उसके बाद ऑब्वियसली पिंजोर आएगा पिंजोर के बाद I have the, बोल्डर बादलोमेट आएगा एक तो मतलब ये तो रॉन्ग हो चुका उत्तर अरियाल त्रिचनापल्ली तो क्रिटेश के अंदर ये सीक्वेंस भी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है ऑब्वियसली सीक्वेंस विल स्टार्ट स्टार्टअर उत्तर उसके बाद एक्चुअली आता है देन वी हैव अरियालूर एंड देन वी हैव है

करेक्ट बैठता है जहां पे अगर हम बात करें कि मलानी की तो आपका मलानी इग्नियस सूट या फिर मलानी वोल्केनिक्स जाने जाते हैं बिल्कुल आप जो एज वगैरह है तो मोस्ट अबाउटली नियो, नियो प्रोटोरिजोरिक एज के पास आते हैं ये जान जाते हैं रायोलाइट डिपोजिट के लिए या फिर अगर मैं बोलू वोल्केनिज्म फिल्सिक टाइप का वोल्केनिज्म आपको देखने को मिलता है अगर यहाँ पे पंज, पंजाल वोल्केनिक्स की हम बात करें तो पंजाल वोल्केनिक्स नियर अबाउट यू गेट इन परमियन टाइम ठीक है यहाँ पे बेसिक वोल्केनिज्म आपको देखने को मिलते हैं उसके बाद राजमहल वोल्केनिक्स एंड डेक्कन वोल्केनिक्स डेक्कन वोल्केनिक्स एज सभी को पता है नंबर सभी को पता है बिल्कुल अगर मैं राजमहल का टाइम की अगर हम जिक्र करें तो ऑब्वियस हम जूरासिक्रिटेश डिक्कन ट्रैप की अगर मैं बात करू या फिर वॉल्केस की बात ऑब्वियसली तो अपर क्रिटाइसिस से लेकर तक लोअर ईसिन तक बिल्कुल इसका हम एज कंसिडर करते हैं एवरी वन नोज यहाँ पे बिल्कुल आपके पास बेसॉल्टिक लावा है लेकिन राजमाल के अंदर कुछ तो चीज जो डिफरेंट है ऑब्वियसली यहाँ पे भी बेसॉल्ट है बट याद रखना राजमाल के अंदर जो बेसॉल्ट है वो ऑलिविन नहीं है उसके अंदर ठीक है तो हां ऑप्शन ए जो है वो एक तरह से सिक्वेंस के अंदर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लंजिंग एंटीफॉर्म प्लंजिंग सिन फॉर्म रिकमेंड फोल्ड और रिक्लाइन फोल्ड अब इन सब के अंदर आपको कुछ एक तरह से जो है डायरेक्शंस दिए लेकिन ये सब किसकी है प्लंजिंग प्लंजिंग अब देखो प्लंजिंग एंटीफॉर्म हो या फिर प्लंजिंग सिन फॉर्म हो आपको कुछ कंडीशन पता रहने चाहिए अगर आप एरो को अच्छे से देख रहे हो तो दिस वन इज योर क्लोजर साइड जहां पे फोल्ड आपका क्लोज होता है ठीक है तो इसको हम बोलेंगे क्लोजर साइड तो ये भी आपकी क्लोजर साइड है अगर आप अच्छे से पहले दो के अंदर ही अगर देख रहे हो तो आपका एरो जो है वो क्लोजर साइड से दूर जा रहा है और एक क्लोजर साइड के तरफ जा रहा है तो कंडीशन होती है अगर आपने लिटरेचर के अंदर अगर पढ़ा होगा तो ये आपका नॉर्मली एक है एंटीफॉर्म और एक है सिनफॉर्म तो फॉर for एंटीफॉर्म और फॉर सिनफॉर्म ठीक है एंटीफॉर्म के लिए क्या कंडीशन रहती है या फिर किस तरह की कंडीशन बनती है फोल्ड का जो एक्सिस रहता है ना वो हमेशा एंटीफॉर्म के अंदर जो रहता है वो फोल्ड का एक्सिस अब फोल्ड का एक्सिस कहां से इंडिकेट किया इन्होंने एक तरह से जो ये एरो इंडिकेट कर रहा है वन इज फोल्ड का एक्सिस अब रिप्रेजेंटेशन के लिए एंटी फॉर्म के अंदर अगर देखे तो फोल्ड का एक्सिस जो रहता है वो हमेशा प्लंज करेगा इट्स प्लंजिंग टूवर्ड्स टूवर्ड्स फोल्ड का क्लोजर या फिर वी कैन से इट्स अ क्लोजर ऑफ फोल्ड तो यहाँ पे कहा वन इज क्लोजर की तरफ कहां पर है ये तो अवे अवे कंडीशन के अंदर है। है तो ये बैठ रहा है यहाँ पे fit. Form में क्या होगा? सिचुएशन इज कंप्लीटली अपोजिट मतलब के फोल्ड का जो एक्सिस रहेगा वो प्लंजिंग करेगा नॉट टूवर्ड्स इट्स अवे फ्रॉम क्लोजर ऑफ फोल्ड तो अवे फ्रॉम क्लोजर ऑफ फोल्ड की अगर हम बात करो तो ये रहेगा कुछ इस तरह से तो हां दोनों इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर जो है परफेक्टली फिट बैठते हैं अगर बात करें अब रिकमेंड और रिक्लाइन फोल्ड की तो ये एक तरह से कंडीशन के अंदर आते हैं बिल्कुल दोनों के दोनों अब हॉरिजॉन्टल को बोलने से पहले अगर आपको याद हो तो कुछ अलग तरह से जैसे ये फॉर्म है एंटी क्लाइनिंग है एंटी फॉर्म है तो ये दोनों अगर हम देखें तो ये न्यूट्रल फोल्ड के अंदर आते हैं न्यूट्रल फोल्ड के अंदर आते हैं बिल्कुल अब यहां पर रिकम्बेंड के अंदर अगर हम देखे, तो रिकम्बेंड या फिर रिक्लाइन या फिर न्यूट्रल फोल्ड के अंदर कंडीशन क्या रहती है न्यूट्रल फोल्ड के अंदर कंडीशन आपको रहेगी कि आपका जो फोल्ड का एक्सिस रहेगा ये हमेशा ही एक तरह से अगर हम देखें बिल्कुल तो ये प्लंच करेगा एग्जैक्टली एट द परपेंडिकुलर और नाइनटी डिग्री फ्रॉम क्लोजर तो अगर आप अच्छे से देख रहे हो ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे आपको 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलरली बिल्कुल अवे दूर जा रहा है लेकिन अब दोनों के अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर डिफरेंस जो दिया है वो आपको एक तरह से प्लंजिंग डिग्री का दिया है यहाँ पे 50 डिग्री है या फिर 4 डिग्री है अब 4 डिग्री है मतलब कि ऑब्वियसली बिल्कुल जो इंक्लिनेशन है या फिर जो प्लंजिंग है वो बहुत कम अमाउंट पे हुआ है कम अमाउंट पे हुआ है मतलब ये क्या रहेगा ऑब्वियसली एवरी वन नोज इट्स यूर हॉरिजॉन्टल या फिर रिकम्बेंड फोल्ड जो ज्यादा इंक्लिनेशन दिखा रहा है वो बन जाएगा आपका रिक्लाइन फोल्ड तो बस यही फीचर्स थे एंटीफॉर्म का पी का दो कहां पर है तो ये रहा तो यहां पे ऑप्शन बी जो होता है आपका करेक्ट है ओके द मेथड अप्लाइड फॉर आइसोटोप डेटिंग ऑफ होलोसिन रॉक सिंह का एज क्या है नॉर्मली हम एक तो जो हम, हमारे पास टाइम स्केल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन वन सेवन मेगा एनम मेगा एनम बोल दीजिए या फिर मिलियन ईयर बोल दीजिए अब इतना बड़ा तो नहीं याद रख सकते ठीक है ग्यारह हजार सात सौ ईयर्स ऐसा भी बोल सकते हैं मेगा ईयर को या फिर मिलियन ईयर year को ईयर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया अब ग्यारह हजार सात सौ ईयर्स तक का डेटिंग करना है मतलब इनमें से कौन यूज में आएगा तो ऑब्वियसली एवरी वन नो की कार्बन का ही हेल्प लेना पड़ेगा इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है पांच हजार सात सौ तीस वाला है बाकी लोगों की क्यों नहीं ऑब्वियसली इनके हाफ लाइफ ज्यादा है पोटेशियम अर्गौन की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली पोटेशियम अर्गॉन का आपका हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा चला जाता है इनके कंपेरिजन में कितना बिलियन ईयर चला जाता है अगर मैं यूरेनियम लीड की बात करूं तो हमारे पास यूरेनियम लीड की अगर हम जिक्र करें तो तीन हमारे पास यूरेनियम लीड है उनमें से दो का इंपॉर्टेंट का भी जिक्र करें यूरेनियम 238 और लीड 206 तो इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है इट्स यूर 4.5 बिलियन ईयर जिससे हमने अर्थ का भी एज निकाला और हमारे पास यूरेनियम टू और लीड जो है वो टू जीरो सेवन बी जिसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो है सेवन वन थ्री मिलियन ईयर बिल्कुल अब बचा रुब रूबिडियम स्टोनशियम का जो हाफ लाइफ पीरियड आता है तो ऑब्वियसली होलोसिन का निकलना था होलोसिन का खुद का एज जो है वो इतना है तो इट्स नियरली बिल्कुल तो कार्बन इज सफिशियंट टू कैलकुलेट इट्स एज ठीक है तो ये तो ये थे आपके आई आई टी जैम टू थाउजेंड सिक्स के Questions. Thank you.